महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर पीथमपुर राजपूत समाज द्वारा आज महाराणा प्रताप बस स्टैंड पीथमपुर से राजपूत समाज द्वारा सर्व समाज को लेकर शोर यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 400 से 500 वाहनों पर हजारों की संख्या में युवा से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक हर वर्ग का व्यक्ति इस विशाल वाहन रैली में शामिल हुआ। वहीं यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर पूरे नगर का भ्रमण किया। इस चौराहे पर लोगों द्वारा रैली का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। आज राजपूत समाज और सर्व हिंदू समाज की ओर से महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा के ऊपर लगातार 20वें वर्ष में हम वाहन रैली और शौर्य यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम पूरे पीथमपुर का नगर भ्रमण करेंगे और सर्व समाज को साथ में लेकर चलेंगे। और कुंदन सिंह पवार, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पीथमपुर। हाँ, आज के दिन महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के संरक्षक, भारतीय संस्कृति के रक्षक महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा अब निकाली जा रही है। और इसके लिए इस बार हमने सर्व समाज को आमंत्रित किया है, क्योंकि महाराणा प्रताप सभी के थे और ये महाराणा प्रताप बस स्टैंड भी सभी की रहेगी। इसी के निमित्त सौहार्द बनाने के लिए महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में ये 20वीं शौर्य यात्रा शानदार तरीके से निकाली जा रही है, और जिसमें सभी को सम्मानपूर्वक बुलाया जा रहा है, सभी को शामिल किया जा रहा है। और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, हिंदुत्व के लिए आगे आना चाहिए। ये आह्वान के साथ हम ये रैली निकाल रहे हैं। आपका नाम है? मोहन सिंह सिसोदिया। हिंदू क्रोधा, हिंदू सम्राट, वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की ये शौर्य यात्रा पीथमपुर राजपूत समाज द्वारा निकाली जा रही है। और ये प्रतिवर्ष जो हिंदू राष्ट्र की एक संवाहक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जो जन्म शताब्दी है, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष यह शौर्य यात्रा पीथमपुर में निकाली जाती है। राजपूत समाज, करणी सेना, क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज सब एकत्रित होकर इस यात्रा का स्वागत करते हैं। इस यात्रा को निकलते हुए आज 20वीं यात्रा है, और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि जो पीथमपुर नगर पालिका ने संकल्प लिया था कि भव्य महाराणा प्रताप बस स्टैंड बनना चाहिए और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, तो आज हम सब उसके साक्षी है कि आपके समक्ष एक भव्य महाराणा प्रताप बस स्टैंड मूर्त रूप ले चुका है और एक भव्य प्रतिमा वहाँ स्थापित हो चुकी है। शीघ्र अति शीघ्र समाज से चर्चा कर एक भव्य प्रोग्राम में इस महाराणा प्रताप बस स्टैंड और हिंदू पुरोधा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, उसमें हम पीथमपुर के सब लोग साक्षी बनेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।